हमारे जो भगवान कहते हैं कि साधु संतों के भक्तों के साथ कभी भी, वैसे तो संत भक्त ने कभी भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। नम्रता के साथ कोई भी ज्ञान विवाद जो वाद विवाद भी करना ज्ञान के ऊपर, तो नम्रता और सभ्यता से करना चाहिए। किसी की आत्मा को मतलब डायरेक्ट एक अभद्र तरीके से ठेस नहीं पहुँचावे। और यदि ज्ञान सत्य ज्ञान को सुनने से वो गलत ज्ञान को अपने को पक्का माने बैठा, इसमें ठेस सोबा लागो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ठेस लगेगी तो वो सीधा होगा। ठेस मीन उसको चोट लगेगी, वह जो बांगा टेढ़ा ज्ञान ग्रहण कर रखा वो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर उस अर्जुन श्री कृष्ण जी के जो वंशज थे यानी कुल के लोग थे वो अभिमानी हो गए थे कुछ बच्चों ने, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने, और कुछ उसी हम उम्र के, वो 40 साल का हो रहा था प्रद्युम्न भी, बालक नहीं था, पोता प्रद्युम्न का पोता भी हो चुका था, 40-45-50 साल की उम्र का हो चुका था। तो उसने प्रद्युम्न ने और 5-7 और सिर फिरे यादों ने एक स्कीम बनाई कि भाई दुर्वासा जी की परीक्षा लेंगे, देखते हैं ये कितना विद्वान और कितना भूत भविष्य की जानता है। उसके लिए उन्होंने एक एक व्यक्ति को, एक गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण करवाया, एक लोहे का कड़ा पेट का बांधा, छोटा सा कढ़ाया कढ़ाया जैसे 5-7-10 परिवार के सदस्यों का खाना बनाने का होता है, तो उसको पेट पर बांधा, उसके ऊपर कुछ गुद्दड़ यानी ये लोगड़ रुई बांध दी, ऊपर का और कपड़ा बांध करके पीछे पेट पर गांठ ला दी, ऊपर से उसमें जो स्त्रियों का वहाँ पहनावा था ऐसे वस्त्र पहना दिए, और मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लिया जैसे घूंघट करते हैं, और बाकी 5-10 व्यक्ति बच्चे उस व्यक्ति उसके साथ चल पड़े, उसका एक नकली पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी हमने सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ये भक्त है, ये व्यक्ति है, ये इसकी पत्नी है, इनके ऊपर परमात्मा ने बहुत वर्षों के बाद अब मेहर की है, इनकी इसकी पत्नी को अब गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि इस पत्नी इस स्त्री के गर्भ से लड़का होगा या लड़की, आप कृपा बताइए। दुर्वासा जी ने जब देखा अपनी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, तो सारे बकवाद को समझ कर और बहुत क्रोधित हो गया, एकदम कहने लगा, बताऊं इससे क्या होगा, ये जो गर्भ है इससे यादव कुल का सर्वनाश होगा, सर्व यादों का नाश होएगा। और न्यू कर कर करी लाल आखिर भाई वो काढ़ा चमटा, अब वो तो डांक ठोकी भाग लिए बालक, वो व्यक्ति जो थे भाइयों के में और ना कह देर कर दे तो भाग लिए आगे, यानी वहाँ से चल करके गांव में चर्चा हुई, नगरी में चर्चा हो गई कि कुछ व्यक्तियों ने, कुछ बच्चों ने दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया, और दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश होने का श्राप दे दिया। अब ये तो जो समझदार व्यक्ति थे उनको तो पता था कि भाई दुर्वासा का वचन तो तोप का गोला है, ये तो कह दिया तो बात बिगड़ गई। तो कुछ व्यक्ति कहने लगे, भाई हमने क्या चिंता है, हमारे साथ हमारे गुरुदेव जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो तो सारी ब्रह्मांड के मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उन ऐसे ऐसे कर दिया, वो मार दिया, वो मार दिया, उसका ऐसे कर दिया, तो हम अपने गुरुदेव के पास चलते हैं, ये समाधान कर देंगे, क्यों चिंता करते हो।
तो कुछ जो नगर के जो मौजूद से व्यक्ति थे 50-100 इकट्ठे हुए, बच्चों को साथ ले लिया और श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, ऐसे ऐसे बच्चों ने नालायकी के कारण दुर्वासा जी से मजाक कर दिया और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी बच्चों को ने बहुत भारी गलती की है, साधु संतों के साथ मजाक ठीक नहीं होता, ऐसे करो उन्हीं बच्चों को साथ ले जाओ जिन्होंने मजाक किया है उन व्यक्तियों को, और दुर्वासा जी के चरणों में डाल दो, उसी से क्षमा याचना करो जब बात बनेगी। सभी बच्चों को, उन सभी व्यक्तियों को लेकर के दुर्वासा जी के पास गए वो मौजूद व्यक्ति, उनसे प्रार्थना की कि रिसीवर, बालक है माफ कर दो, आपके बच्चे हैं, इनसे गलती होगी, हम माफ क्षमा याचना करने आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि भाई मैंने जो वचन कह दिया ये वापस नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो होगा ही होगा, आप जा सकते हैं, अपने बच्चों को समझा के रखा करो, पहले सोचना था इन्होंने, अब आए हो तुम अक्षमा याचना करने, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें सुनाई। तो व्यक्ति उठकर आ गए, श्री कृष्ण के पास फिर गए, उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने जवाब दे दिया है, वो कह रहे हैं कि तुम जो वचन मैंने कह दिया ये मैं वापस नहीं कर सकता, ये तो होगा ही होगा। तो पूरे नगर में चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना नहीं पकाया, क्यों तो नाश हो गया। और श्री कृष्ण जी से बताया गया कि पूरा नगर संताप में है, सब डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं, कोई खाना भी नहीं पका रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, मैं बताता हूँ समाधान इसका, और अपना खाना खाओ, आराम से रहो, चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया कि आप ऐसा करो, ये जो गर्भ बनाया था ना बच्चे के ऊपर आर्टिफिशियल, ये स्वांग कराया था, नकली गर्भ बनाया था, इसमें क्या क्या वस्तु थी, वस्त्र थे और साथ में एक लोहे का कढ़ाया था, तो इनको ऐसा करो, कपड़ों को तो जला दो और लोहे के जो कढ़ाया है इसने घिसा घिसा के इसका चूरा बना के प्रभास क्षेत्र में जाके और जमुना में डाल दो, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये गर्भ का सामान ही नहीं रहेगा, तो फिर नाश किसता होगा अपना, जाओ आप ऐसा करो। इस समाधान को सुनकर सभी यादव लोग बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा आन भगवान ने तो कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छा विधान समाधान बता दिया, और सभी अपने खुशी खुशी खाना बनाया, खाना खाने लगे और मस्ती से रहने लगे। उधर से ड्यूटी लगा दी उस कढ़ाई को घिसा घिसा के और चूरा बना के जमुना में डालने की, 10 व्यक्ति तो 5 व्यक्ति डेली जावें और उसको घिसाएं पत्थर पे और चूरे को फिर दरिया में डालते रहे, ऐसे चलता रहा। उनमें से एक कड़ा बच गया, कड़ा बाकी कड़ा अभी जो है घिसा दिया, एक कड़ा भी घिसा दिया, एक कड़ा बच गया, वो ड्यूटी ला रखी थी एक मेरे जैसे आलसी की, उसने सोचा कि सब ने अपना काम निपटा दिया, 13 कड़ा रह गया, उसने कुछ घिसाया बाहर थे कुछ भीतर थे, वो थोड़ा बहुत घिसा था, बाकी न्यू का न्यू जमुना में फेंक दिया, यूं का यूं डाल दिया, बात खत्म हुई, अपने अपने घर को आ गए। उधर से एक मच्छी ने उस चमकदार घिसने के कारण जो चमक हो गई थी उस कड़े में, उसको खाद्य पदार्थ जान के और खा लिया, अंदर निगल गई वो मछली, पकड़ दी एक शिकारी ने
वो शिकारी ने वो मछली काटी, उसमें तो निकला एक चमकदार धातु। उसने सुनार से दिखाया कि हो सकता या चांदी हो सिल्वर, लेकिन सुनार ने बताया कि चांदी तो है नहीं, लेकिन इस्पात बहुत बढ़िया है, लोहा बहुत ही उत्तम है। तो वो लेकर गया लोहार के पास, लोहार से कहा कि तो इसका मेरा बढ़िया सा एक तीर बना दो, शिकारी था, एक तीर बना दे मेरा, इसके आगे का एरो बाण का जो तीर होता आगे नुकीला सा बाला टाइप, वो बना दे और जहर से युक्त करके बना दे, विषाक्त बना दिया। वो शिकारी ने अपना सुरक्षित रख लिया। अब ये शिकारी कौन था? ये शिकारी वही आत्मा थी जो श्री रामचंद्र जी के समय में बाली था, सुग्रीव का भाई, और उस समय श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर के धोखे से बाली को मारा था, क्योंकि बाली में एक ऐसी सिद्धि शक्ति थी कि उसके सामने खड़ा होकर के जो युद्ध करता था तो आधी शक्ति सामने वाले की बाली में आ जाती थी, और सामने वाला कितना ही विद्वान योद्धा था होता था, कितना ही शक्तिशाली होता था, वो परास्त हो जाता था। इस बात का पता था श्री रामचंद्र जी ने। श्री रामचंद्र जी ने पहले तो युद्ध करना चाहा आमने सामने खड़ा होकर के, जब रामचंद्र जी की आधी शक्ति उसकी तरफ पहुंचने लगी, उनके पैर उखड़ने लगे, तब सुग्रीव ने ये बताया कि आप वृक्ष की ओट ले लो, इसमें ये शक्ति है। तो रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट लेकर भारा पेड़ो तब बाली को मारा था। जब बाली ने कहा था कि अगर तू योद्धा है और अपने आप को अधिक शक्तिशाली जानता, जब जानता तो मेरे सामने आकर लड़ता, धोखे से तो दुनिया मार दे, पर इसका इतना फल भोगना पड़ेगा मिस्टर, ये इतना बदला देना पड़ेगा मेरा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा भी ये बात तो मैं भी परिचित हूँ, ये टिट फॉर टेट तो कहीं नहीं गया, अदले का बदला मैंने देना पड़ेगा। तो बाली ने कहा था कि कब दोगे? के द्वापर युग में दूंगा। श्री कृष्ण बने वही विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी वाली आत्मा, और सुग्रीव वाली आत्मा बनी वो शिकारी। अब इनका यहां फैसला होगा। अब क्या होता है कि उधर जो चूरा डाला था कढ़ाई का घिसा करके चूर्ण, उससे एक तेज मोटे मोटे ईंख जैसे पठेरे जैसे पत्तों का एक घास उग गया, और उसके इतने तेज पत्ते हो गए तलवार की तरह, जैसे आपने ये कुश देखी होगी, डाब जिसने कहे, डाब एक सिंपल सा घास दिखा करे, और उसके पत्ते इतने तेज तिखे होते हैं, अगर यदि उसको उंगली का लपेटा आकर या उंगली का ऐसा थोड़ा ढीला लपेटा और झटका लग जाता है, उंगली ने आधी काट दे, खाल खाल ने कति तार देती है, जख्म बना देती है पूरा गहरा, जैसे कोई चाकू लगाओ, हमने ये देखा हुआ खेतों में। तो इससे भी तेज पत्तों का घास उग गया, बहुत बड़ा बड़ा हो गया। उधर से क्या होता है कि नगर में उस द्वारिका के अंदर ऐसा उपद्रव माच गया कि कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं, सब उल्टे सुलटे बोलने, आपस में लठम लट्ठा, सिर फड़वा के कोर्ट कचहरिया में खड़े रहे, और रोजाना की दो चार हत्याएं होनी लगी नगरी में, प्रतिदिन कोई किसी की सुने नहीं, सबकी लाल आँख होगी, ऐसी आग सी लगी, वो उसका दुश्मन वो उसका शत्रु बन गया। तो ऐसा जब नगरी में कोई उपद्रव हो जाता है, बुद्धिमान जो पूरा समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उसका समाधान कोई आध्यात्मिक तरीका ढूंढते हैं, उसके इलाज का, उसके समाधान के लिए कोई आध्यात्मिक तरीका खोजते हैं और उसका कारण भी पता कराना चाहते हैं। इसके लिए वो कहाँ जाते हैं? संतों के पास।
श्री कृष्ण जी उनके गुरु थे, गुरु जी के पास जाना उचित होता है। ये जान करके फिर नगर के मौजूद व्यक्ति फिर श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, नगरी में ना जाने कौन सा पाप कर्म उदय हो गया नगर का। रोजाना झगड़े होते हैं, एक दो हत्या रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, कोई बड़े छोटे की लाज रही नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, लाल आँखें करे फिरे हैं और हथियार टांगे फिरते हैं, ना जाने नगरी में कब के हो जाएगा। हे प्रभु, इसका कारण तथा समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अभी ऐसा ये कारण तो मैं बताता हूँ कि तुमने तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का जो श्राप है वो इब ऐवी हो गया, वो प्रभावी हो गया तुम्हारे ऊपर, वो इफेक्टिव हो रहा है। उसका समाधान बताते हैं। समाधान ये है कि तुम सभी जितने भी नर यादव हैं, नर यानी बालक, लड़के और पुरुष, बुढ़े से लेकर बालक तक, सभी के सभी प्रभास क्षेत्र में जाकर, जहाँ वो कढ़ाया गया था उसको प्रभास क्षेत्र नाम था उसका, उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के सभी स्नान करो जमुना के जल में, तुम्हारा श्राप उतर जाएगा, कट जाएगा, तुम्हारा श्राप नष्ट हो जाएगा जो दुर्वासा जी ने दे रखा है, फिर नगर में शांति हो जाएगी। पुण्यात्माओं, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए समाधान तो ऐसे हैं जैसे हम छोटे थे जब गांवों में पशुओं को रोग हो जाता था तो वहाँ क्या करते थे, एक आया करता सारंगी लेकर के आल लगाने वाला, वो हीर और रांझा की कथा सुनाया करता, हीर रांझा की लव स्टोरी, और 10-15 दिन 30 दिन वो सुनाता था, 5-7 दिन, और फिर उस कहता था कि जब कथा समाप्त होगी तो सभी अपने पशुओं के छींटे लगवाइयो, जल धर लेता था एक झाड़ू सी गए, कुछ की झाड़ू, डाब की झाड़ू सी बनाकर उस गड़े में भरकर न्यू मारा करता बैठ के, कि फिर तुम्हारे पशुओं के रोग। तो वो सभी लाते थे अपने पशुओं को उस पाखंडी के आगे, छोटे से बच्चे को भी और बड़ी भैंस गाय बैल बलूद सबको, और सब पर छींटे लगवाते थे। ओना जाना कुछ ना, वो तो अपनी वही दंत कथाओं के आधार से था। ऐसा ही समाधान श्री कृष्ण जी ने बता दिया कि जमुना में नहाओ तुम्हारा पाप कट जाएगा, वो श्राप कट जाएगा। अब श्री कृष्ण जी के बताए अनुसार सभी ने अपने छोटे छोटे बच्चे जो नवजात शिशु थे वह भी ले लिए, लड़के लड़की नहीं, नर यादव, उनको लेकर के फिर वहाँ पहुँच गए जहाँ वो प्रभास क्षेत्र था, जहाँ उस कढ़ाहे का चूर्ण जो बना हुआ था, उस चूर्ण से उगे हुए जो लोहे के चूर्ण से उगे हुए वो घास थे। अब वो क्या करें, पहले तो स्नान करें भी कहीं श्राप ना रह जाए हमारे ऊपर, स्नान करके बाहर आवें और सामने वो जो शत्रु बने हुए थे आपस में लड़ाई छोटी मोटी कहा सुनी से वो सामने दिखे और लाल आँख कर लें, मुक्का मुक्का गालम गाला, फिर वो घास उठा लें वहाँ से, उखाड़ लें वो घास, उखाड़ कर न्यू मारें एक दूसरे के, उस घास ने तलवार का काम कर दिया, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक तरीके से सापित घास था, उस कढ़ाई का घास था, तो वो ऐसा चले कि उसने तलवार का काम कर दिया। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के कट के मर गए, 56 करोड़, वहाँ सौ के ढेर लाग गए, जमुना का पानी लाल कर दिया, जमुना का जो यमुना का जल कति लाल कर दिया।